दिया हम लोग को, हम लोग से बोला कि आप पुलिस वाले आए हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, वो हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है। इस छोटे से बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? वो पूछ रहे रास्ते में कोई नहीं आया, जितनी बार फोन बज रहा है मेरा पापा का कॉल आया बात करा। यहाँ पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया, प्लीज मदद करिए पति को जाए दिलाइए। इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर मायावती ने इसकी जांच की मांग की, अखिलेश यादव ने वो वीडियो शेयर किया है, संजय सिंह ने वीडियो शेयर किया है, और सोचिए कि किस तरह के हालात हैं यूपी में। बच्चे सौ सौ मर रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, मेरे रिपोर्टर को जेल में पुलिस थाने में बैठा के ले गई है। मीडिया तो मतलब बीजेपी की हाथों की कठपुतली, पुलिस एक गुंडा मवाली की सरकार में, ढोनी अपराधनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम है। भैया सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने खुली छूट दे रखी है, आपने नहीं देखी? वीडियो वायरल हो रहा है उस महिला को पुलिस वाले कह रहे हैं कि पुलिस को कानूनन मदद मत लो, कोर्ट कचहरी में पिस जाओगी, सालों लग जाएंगे, न्याय नहीं मिल पाएगा, नौकरी दे दे रहा हूँ, मामला समेट लो। उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून नाम की जो चिड़िया है वो तो बिल्कुल उड़ चुकी है। बताइए होटल में ऐसी कौन सी जगह से वो गिरा जो उसको इतनी गंभीर चोट आ गई कि उसकी डेथ हो गई? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बाद मुझे फिर से दोबारा लाइव आना पड़ा है, दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ है। मीडिया एक खबर नहीं दिखाएगी, मीडिया आपको दिन भर दिखाएगी कैप्टन साहब कहाँ गए, सिद्धू ने क्या कहा, राजनीति समझिए, जहाँ बीजेपी के फायदा हो वहीं हो। तो बड़ी खबर वो भी बताऊँगा कि किसान आंदोलन पर एक बड़ी अपडेट है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले बात यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की। गोरखपुर के एक होटल में एक शख्स को पत्नी का आरोप है कि उनके पति को पुलिस ने इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। सोचिए योगी जी की ठोको पुलिस की क्या स्थिति है, वहाँ एक दो नहीं हजारों SC ST OBC के युवाओं का इनकाउंटर हुआ है। इससे पहले एप्पल के एक मैनेजर शर्मा जी की हत्या हो गई थी, अब गोरखपुर में एक होटल में गुप्ता जी की मौत का मामला सामने आ रहा है। गोरखपुर पुलिस का बयान आया है कि तीन लोग कमरे में ठहरे हुए थे, वो क्या करने आए थे, कहां से आए थे, उसकी जांच हो रही है। पुलिस गई, हड़बड़ाहट में युवक गिर गया, उससे मौत हो गई, ये पुलिस की थ्योरी है। मीडिया इस पर भी खबर नहीं दिखा रही, तो सोचिए अब मीडिया, पहले हम लोग कहते थे कि SC ST OBC माइनॉरिटी की खबरें नहीं दिखाती है, अब तो योगी गुप्ता जी की भी खबर नहीं दिखाती। वो वीडियो दीजिए पंकज जरा, पहले उस पीड़ित परिवार का वीडियो सुनिए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए, मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए, आप साफ सीधे रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग। तो ये वीडियो देखा आपने, ये सनसनीखेज वीडियो है, योगी जी की पुलिस कह रही है कि मामला कोर्ट में मत ले जाइए, सालों चलेगा। ये ठीक वही जातिवादी मानसिकता के जो लोग होते हैं, कानून को ठेंगे पर रख रहे हैं, वो उस महिला को कह रहे हैं। एक बार आवाज सुनिए फिर से, वीडियो देखने से ज्यादा जरूरी है आवाज। आवाज बढ़ाई पंकज इसका। जो पीड़ित परिवार है उसको पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोर्ट में मत जाओ, मामले को रफा दफा करो, नौकरी मिल जाएगी। वो महिला कह रही है कि मुझे न्याय चाहिए। सोचिए इस तरह से यूपी पुलिस काम कर रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा वीडियो देखिए, ये है, दिखाइए इसको पंकज, चलाइए जरा।
ये वीडियो जो है, पहले वो पीड़ित परिवार का सुन लीजिए, देखिए। हमारे पास वो भी वीडियो है, हाँ। जो पुलिस प्रशासन इनको मतलब किस हिसाब से पेश कर रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि इनके जांच का विषय है, और ये देखने के लिए देखिए इनका आवाज। एक बार पुलिस कह रही है कि पैर फिसलने से मौत हुई, एक बार कह रही है कि मामला रफा दफा करो। जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्यवाही की जाएगी। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में तीन युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे, जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है, और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्यवाही की जाएगी। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक अब एक पीड़ित परिवार का भी एक वीडियो देख लीजिए पंकज, वो भी दिखाइए जो, हाँ ये वाला वीडियो दिखाइए। इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह ने ट्वीट किया है। तो ये खबर है, ये पूरी खबर है। कानपुर के एक व्यापारी थे, गोरखपुर के होटल में जाते हैं तीन दोस्तों के साथ, पुलिस जाती है जांच करने। इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर मायावती ने इसकी जांच की मांग की, अखिलेश यादव ने वो वीडियो शेयर किया है, संजय सिंह ने वीडियो शेयर किया है। और सोचिए कि किस तरह के हालात है यूपी में, लाशें जल रही हैं तो सब नहीं दिखा सकते, बैरिकेड कर दिया जाएगा। बच्चे सौ सौ मर रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, मेरे रिपोर्टर को जेल में पुलिस थाने में बैठा के ले गई है। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है ना, पुलिसिया गुंडों की सरकार है। हाथरस की बेटी का आज एक साल हो रहा है, वहां क्या हुआ था, तेल छिड़क के जला दिया था। अब तो सवर्ण भी चपेट में आ रहे हैं। पंकज, लखनऊ में भी आपने देखा, उन बेचारे बेगुनाह, सिर्फ उनको मुसलमान होने के नाम पर उनको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। मीडिया भी उसको कहने लगती है आतंकवादी, पुलिस बोला मीडिया है। वो तो मीडिया तो मतलब बीजेपी की हाथों की कठपुतली, इसको भी पुलिस कह रही है आतंकवादी। आपने तीनों वीडियो मैंने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस, एक गुंडा मवाली की सरकार में, ढोनी अपराधनाथ की सरकार में, उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम है, जिसका कोई लगाम नहीं है। एक तरफ डीएम और एसपी, जिम्मेवारी पुलिस के, सरकार की है भैया, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने खुली छूट दे रखी है, आपने नहीं देखी, सरकार ने मुख्य कानून छ, जो वहां का ढोनी अपराधनाथ कहेगा, जो लोग भाजपा की भाषा में बोलेंगे, किसी आईपीएस अधिकारियों को है इतनी औकात? सोचिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, उस महिला को पुलिस वाले कह रहे हैं कि पुलिस को कानूनन मदद मत लो, कोर्ट कचहरी में पिस जाओगी, सालों लग जाएंगे, न्याय नहीं मिल पाएगा, नौकरी दे दे रहा हूं, मामला समेट लो, महिला कह रही मुझे न्याय चाहिए। पंकज क्या कहेंगे आप? गुप्ता का रोल जी, एक बात आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कानून नाम की जो चिड़िया है वो तो बिल्कुल उड़ चुकी है। अब आप एक बात बताऊं, आप एक बात मुझे बताइए, क्या इस देश की जनता पागल है या यूपी पुलिस का जो दिमाग है वो खराब हो गया है? होटल के अंदर बैठा था वो बंदा, या पांच मंजिल की इमारत पर चढ़ा हुआ था कि गिर के उसको चोट लगी और उसकी डेथ हो गई?
बताइए होटल में ऐसी कौन सी जगह से वो गिरा जो उसको इतनी गंभीर चोट आ गई कि उसकी डेथ हो गई। तो गोरखपुर से खबर है, मैं फिर कह रहा हूँ, ठोको नीति के तहत मुसलमान पिछड़े दलितों की लगातार हत्याएं हुई है यूपी में, कोई जांच नहीं हुआ है, लगातार इनकाउंटर हुए हैं। एक एप्पल के कर्मचारी शर्मा जी की भी हत्या हुई थी, उसमें उनकी पत्नी को करोड़ों के रुपए का मुआवजा मिला, नौकरी भी लिया। अब ये कानपुर के बिजनेसमैन थे गुप्ता जी, मनीष गुप्ता, उनकी मौत हुई है, होटल के कमरे में थे, पुलिस जाती है। पुलिस का कहना है, एक तो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि मामला रफा दफा कर लो। सोचिए, सवाल पैदा होता है, आखिर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, मायावती ने जांच की मांग की है। एक तरफ पुलिस उनको आतंकवादी साबित करने में लगी हुई है, कह रहे गिर कर मौत हो गई, किन परिस्थितियों में आए, तीन लोग थे, क्यों आए, किस कारण से आए। अरे भैया, आपकी पुलिस ने पीट पीट कर अधमरा करके जान मार दिया, आपने सारे सबूत मिटा दिए और उल्टा आप उसको प्रलोभन दे रहे हैं, दूसरी तरफ बदनाम करना चाह रहे। इनके पास सोलह फिल्म का सिक्का है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास, चित में मेरा, पट में मेरा, सिक्का मेरे बाप का। तो लोग क्यों नहीं निकल रहे पंकज, इसके बाद भी आए मीडिया भी तो अब खबर। भैया, ये भगवा तालिबान की सरकार है, जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात हैं उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, कोई बोल पाएगा क्या? कोई पत्रकार वहां, आपने नहीं देखा कि कनौजिया के साथ क्या हुआ? आपने नहीं देखा प्रधानमंत्री से जिस सवाल पूछने पर, आदर्श गांव का पूछने पर महिला पत्रकार के साथ क्या हुआ? आपने नहीं देखा कि एक मुस्लिम पत्रकार के साथ क्या हुआ? आपने नहीं देखा एक आईपीएस अधिकारी को, भदौरिया का आदमी, किस तरीके से थप्पड़ मारा जिसको भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष युवा मोर्चा में अध्यक्ष बनाता है? क्या कार्रवाई हुई? आपने नहीं देखा कि साड़ी खोलने वाले लोग कौन थे? आपने नहीं देखा कि गोरखपुर में पारस यादव को मारने वाले कौन लोग थे? तो मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस, मतलब योगी का गुंडा। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के पूर्व नेता, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, वो जाके अमित शाह से मिले। अमित शाह ने पूछा कि कांग्रेस में फैसले कौन लेता है, और तो उन्होंने कहा कि उसको कांग्रेस जो है वो अब दलित कार्ड खेल रही है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला राहुल गांधी लेते हैं और इसलिए पेट में मरोड़ है। सोचिए, निश्चित तौर पर भाजपा के पूरे देश में शासन है, कितने दलितों को मुख्यमंत्री बनाया, आज दर्द क्यों हो रहा है? जिस कांग्रेसियों को भाजपा सुबह शाम गाली ही नहीं देती, सपने में भी गाली देती है, वही कांग्रेसी अगर बीजेपी में आ जाएं तो इनका रिश्तेदार कैसे हो जाता है? तो सोचिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह को कहा है कि किसान बिल वापस ले लीजिए। ये हो सकता है कोई मास्टर स्ट्रोक चल दे और अमरिंदर सिंह की वापसी हो सकती है बीजेपी कांग्रेस में। क्या किसान मान जाएंगे? एक साल से जो मौतें हुई हैं, किसानों की शहीदी हुई है, क्या बीजेपी को समर्थन कर देंगे? देखने वाली बात होगी। लेकिन अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि किसान बिल वापस ले लीजिए, इससे आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में लाभ होगा। चलिए, इसी बहाने किसान बिल वापस हो जाए, किसानों का हक अधिकार मिल जाए। वहीं जो शेड्यूल कास्ट के एक विधायक को सीएम बनाने का फैसला हुआ था, अमित शाह ने पूछा कि ये फैसले कौन ले रहा है? कांग्रेस इसको ट्रंप कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करे, वो कह रही कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने से, एक शेड्यूल कास्ट के विधायक को मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को नाराजगी है, गुस्सा है, मीडिया अखबार नाराज है, और शेड्यूल कास्ट के खिलाफ सारे फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं अमित शाह के घर पर। तो चलिए, देर सवेरी सही एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के लोगों को समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी बात रखिए, जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे आपका अधिकार नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का मुंह खोलेंगे, कम से कम कान गोरखपुर की घटना पर तो बोलें। मनीष गुप्ता जी की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ढोंगी अपराधनाथ के गुंडा पुलिस के द्वारा निरसंस हत्या की गई। चलिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या किसान बिल वापस हो जाता है तो ये तमाम जो किसान लोग हैं धरने पर, वो बीजेपी के साथ मिल जाएंगे? देखिए, सिर्फ किसान बिल वापस होने से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान अब जो आंदोलन कर रहे हैं, वो देश बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। देश जब तक नहीं बचेगा, देश में सारी संपत्तियां जो बेची गई है उनको नहीं रोका गया, तो किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम उपभोक्ताओं की भी लड़ाई लड़ रहे। चलिए, पहली बार बैकफुट पर है बीजेपी, कांग्रेस लीड ले रही है शेड्यूल कास्ट के बहाने। पंजाब में एक दलित शेड्यूल कास्ट के विधायक को सीएम बनाकर कांग्रेस को देश भर में वाहवाही मिल रही है, फायदा होता दिख रहा है, कांग्रेस के सुर बदले हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी को तमाम अपने अधिकार की बात रखनी चाहिए, चाहे वो कास्ट
कास्ट सेंसस हो, रिजर्वेशन का मसला हो, जाति जनगणना का मसला हो, तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। बैकलॉग का मसला हो, बैकलॉग भरना है, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ बात करनी है, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जजों की जिस तरह से भर्ती होती है, चाचा फूफा ताऊ, जातिवाद पर हमला बोलने का सबसे सही समय, मैं बार बार कहता हूँ, ये कलयुग नहीं कलमयुग है, 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। आपको जो भी मिला है संविधान की बदौलत मिला है, और जब संविधान बचेगा तभी इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बचेंगे, नहीं तो जो लोग सत्ता पर काबिज हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के 90% मुसलमान जो OBC कैटेगरी में हैं, इस देश का सिख ईसाई जो शेड्यूल ट्राइब और OBC कैटेगरी में है, ये संवैधानिक शब्द है SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल। आप सोचिए कि वो कौन लोग हैं, 5% लोग जो इस देश के सत्ता संसाधन शहर जमीन बिजनेस मीडिया जुडिशियरी कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये देश तभी देश बनेगा सबको जब बराबर का हक होगा। आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।